दुनिया में कई ऐसे वाकयात रोनुमा होते हैं जो खुद बखुद तारीख का हिस्सा बन जाते हैं, जिनसे माजी, हाल और मुस्तकबिल का दर्स मिलता है। ऐसे ही वाकयात में एक तकसीम हिंद में मुसलमानों की हिजरत है। सदियों तक साथ रहने और एक दूसरे की खुशी गम में शिरकत करने वाले पलक झपकते ही जान के दुश्मन बन गए। तकसीम हिंद दास्तानों की ऐसी किताब है जिसका हर सफ़ा खून के आंसू रुलाता है। घर छुटे, जायदादें लुटी, बेटियां कुएं में डूब मरी, तो कहीं बाप औलाद को बचाते बचाते दम तोड़ गया। लुटे पिटे काफले, बिछड़ने वाले प्यारों को ढूंढती आंखें, इंतजार, उम्मीद और वसवसों के साथ नई जिंदगी की इब्तिदा। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था, महमूद अहमद और इंडिया से कपूरथला स्टेट थी एक, वहाँ से अलग है। वहाँ पे वाले साहब जो थे मेरे सेशन जज के रीडर थे। हम छोटे थे, हमें पता नहीं होता था कि ये नाजर क्यों कहते हैं इन्हें, तो इधर आके पता चला कि चूँकि रीडर को नाजर बोलते हैं, तो जी नाजर नाम उनका नज़ीर अहमद था। तीन भाई थे तो बड़े इंतकाल हो गया, बाकी तीन बहनें हैं वो भी हैं हयात। और वहाँ से चले तो पहली तो बात ये कि जो जिस मोहल्ले में हम रह रहे थे सब मिलके हिंदू, सिख, मुसलमान, कोई पता नहीं था। शाम को बच्चे जो थे सब मिलके खेलते थे, एक दूसरे के घरों में चले जाना। और लेकिन जो एक चीज़ अभी तक नहीं भूली, एक दिन खेलते खेलते हम हिंदू घर था, एक फैमिली थी, उनके चले गए सारी। मैंने उस लड़के को जो हिंदू था, मैंने कहा यार प्यास लगी पानी पिलाओ। उसने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा एक गड़वी होती थी उसमें पानी लेके आई। उसने कहा बेटा जी चुल्लू बनाओ, बर्तन को नहीं हाथ लगाना। उसने चुल्लू में पानी किया, मतलब ये खेल रहे हैं, सब कुछ इकट्ठे खेल रहे हैं, लेकिन ये फ़र्क जो था वो मुसलमानों को बराबर ही नहीं समझते थे, ये एक अजीब था। दूसरे मुसलमान जो थे ओवरऑल फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर थे। हमारे मोहल्ले में जो दो चार घर थे वो ट्रांसपोर्टर थे वैसे, लेकिन उनके घर में रेडियो नहीं था। वहाँ मोहल्ले में एक घर था हिंदू का, उसकी हवेली थी, तो वो ऊपर वाले फ्लोर में वो साहब रहते थे। तो रात को जब न्यूज़ का टाइम होता था, अक्सर लोगों को शौक था पाकिस्तान बनने, तो उसकी मेहरबानी थी वो उसकी आवाज़ ऊँची करता था और मुसलमान नीचे रोड में खड़े होके वो खबरें सुनते थे। वो ट्रांसपोर्टर थे, मैं हैरान हूँ आजकल उकाड़ा में उनकी ट्रांसपोर्ट है, वही इधर आके उकाड़ा ट्रांसपोर्टर बन गए। तो ये हालत थी। और स्कूल कॉलेज में तो कोई, हमने स्कूल में ही थे, मसला नहीं देखा। वो जो राजा साहब थे उनके दो तीन काम बड़े ज़बरदस्त थे। एक तो ये कि उसने हिंदुओं के लिए, हालांकि सिख रियासत थी, हिंदुओं के लिए मंदिर बनाया, पांच मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, और मुसलमानों के लिए जामिया मस्जिद बनाई संगमरमर से, इतनी खूबसूरत थी कि लोग जलंधर से भी बसों में रमज़ान में वहाँ जुमा पढ़ने आते थे।
बहुत खूबसूरत, और साथ ही में सिखों का भी था गुरुद्वारा वगैरह, सब के दिए। तो वहाँ तो कोई, हमने स्कूल लाइफ में तो कोई फ़र्क नहीं देखा, पढ़ाने वाले ज़्यादा हिंदू ही थे, मुसलमान तो कोई होगा। और उसके बाद फिर हम लोग, गर्मियों की छुट्टियाँ आती थी तो गांव चले जाते, गांव चले गए। अब गांव जो है वो कोई 10-15 मील दूर था सिटी से, एक बस जाए एक आए, ज़्यादा लोग टांगों वांगों पर बैठ के, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ, ये जिसके पास साइकिल होता था उसको कहते थे ये वेल ऑफ है। तो वहाँ चले गए, उसी में बंटवारा हुआ जब हम गांव में थे, और हमारे गांव से थोड़ी दूर बाहर कैंप बनाया गया, उसमें कहते हैं कि कम से कम 1,00,000 लोग थे। वहाँ जो मसले हुए पैदा, वो तो आज कोई सोच नहीं सकता। कैंप लग गया, पीने के लिए पानी चाहिए, रोटी पकाने के लिए लकड़ी चाहिए, अवेलेबल नहीं है, बाहर आबादी सारी सिखों की। उन्होंने एक जुल्म ये किया कि जितने कुएं थे पानी के उसमें जहर डाल दिया। अब कहाँ जाए, बारिश का पानी, उससे लोग अपना काम चला रहे थे। नतीजा ये हुआ कि हैजा फैलना शुरू हो गया, लोग मरने शुरू हो गए, पानी तो साफ नहीं था। फिर हमारे कोई अजीज़ थे लाहौर में, उनका अच्छा सिलसिला था, उन्होंने अपने 2 ट्रक प्राइवेटली भेजे हमारे कैंप फैमिली को लाने के लिए। लेकिन हालात ऐसे थे कि वो मिलिट्री कन्वाय के साथ जा सकते थे, अकेले नहीं, वरना वो मारते थे। खैर एनीवे वो आ गए, पहुंच गए, हम लोग उसमें बैठ गए। जो पब्लिक थी वो कहते थे जी हमें कत्ल कर दो, कुछ कर दो, हमने ज़रूर चढ़ना है। नतीजा ये हुआ कि ओवर क्राउडेड वो दोनों गाड़ियाँ, मिलिट्री का कोई कन्वाय जा रहा था उसमें शामिल करके निकले। जब वहाँ से निकले, अमृतसर से आगे निकले, तो गर्मी बहुत थी, अगस्त का महीना, हब्स था, मैं छोटा था, बाकी लोग, अच्छा बैठने की गुंजाइश नहीं, सब खड़े थे। तो उसमें गर्मी से मैं बेहोश हो गया, उन्होंने ट्रक रोका और वो अमृतसर निकल आए थे, वहाँ एक दरख्त के साए में लिटाया, और पानी पानी बारिश का पानी था, वो ला के मुँह में डाला, सफाई। वो जब होश आया, पता चला भी वो हमारे 2 ट्रक तो चले गए, वो तो कन्वाय के साथ निकल गए, रुके ही नहीं। तो एनीवे फिर वो ट्रक जो मिलिट्री का ट्रक था, उन्होंने मुझे छत पे बिठाया, हवा लगती रहे। तो फिर हम थोड़ी देर के बाद वाघा पहुंच गए। वाघा पे लोगों ने बंदोबस्त ये किया हुआ था कि जो लोग भी आ रहे थे उन सब को खाने का बंदोबस्त था फ्री। खाना क्या था, दाल थी और रोटी थी, जरूर लगे हुए थे। अब वहाँ गए, जब पहुँचे तो उस ट्रक में से जो भी लोग थे सारे उतरे, मैं भी ऊपर बैठा हुआ था, मैं भी कर करा के नीचे उतरा। अब मैं बिल्कुल अकेला, 6-7 साल का, समझ ना आए। इतनी देर में क्या हुआ, एक आदमी आया, उसने मुझे तो आते ही पहचाना, उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो उधर। वो वन सपान हमारी ज़मीन में मुजारे था, और अरसा हुआ छोड़ गया था, लेकिन उसने कितनी मेहनत की, मुझे साथ लिया, वहाँ जा कर खाना वाना खाया, मुझसे पूछा कि कैसे यहाँ कैसे पहुँचे। मैंने कहा भी वो ऋषि साहब के 2 ट्रक थे, उसमें बाकी फैमिली निकल गई, मेरे साथ ये हुआ तो मैं पीछे रह गया। वहाँ से वाल्टन से इचरा, उनकी जगह उन्हीं के नाम से मशहूर थी, रशीद पार्क, पता नहीं कितने मील था, उसके पास भी पैसे नहीं थे, वो मुझे उंगली लगा के पैदल चलते चलते चलते
हम इछरा पहुँचे। इछरे में आके उससे पहले में पूछा जी रशीद पार्क है, उनका जी वो बंगला है। वहाँ वो मुझे छोड़ के फिर वो अपने जहाँ भी जाना था। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, भूलती नहीं है। फिर आ गए, फिर वहाँ से वो फैमिली शिफ्ट हो गई, फिर वहाँ से फैसलाबाद आ गए। हमारी दादी फैसलाबाद से थी तो एक लिंक था, तो वहाँ आ गए। वहाँ आए तो वाले साहब को पहले तो ऑफर हुई, उन दोनों नौकरियाँ नहीं, लोग मिलते नहीं थे। उन्होंने कहा जी वो नायब तहसीलदार, तहसीलदार कोई, तो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा नहीं, सबसे पहले हमारी जो ज़मीन थी पीछे वो उसका सिलसिला कोई बनेगा। फिर कचहरी बाज़ार में एक मशहूर स्कूल था, आज भी है, पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल, प्राइवेट था उस वक्त। वहाँ से मैट्रिक करने के बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद दाखिल हो गए, वहाँ से ग्रेजुएशन किया। अब जब ग्रेजुएशन किया तो युवकों का मार्शला लग गया, मुल्क में बड़ी अफरा तफरी हुई, अजीब हालात थे उस वक्त। वाले साहब ने मुझे कहा कि भाई अब आप नौकरी की तलाश करें, आगे पढ़ने का था लेकिन अब नहीं है मुमकिन। फिर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक महकमा था, वहाँ मैं गया, वहाँ एक उन्होंने पार्टिकुलर मांगे, मैंने दे दिए। उनका एक पोस्ट कार्ड आ गया एक दिन के जी फलां महकमे में रिक्रूटमेंट हो रही है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो जाके टेस्ट में बैठ जाए। लाहौर थी तो मैं वहाँ चला गया, टेस्ट में बैठा। वो भी एक ऐसे ही मौजा, 700-800 कैंडिडेट थे, उन्होंने लेने थे 80 के करीब। टेस्ट हो गया, वो अगले दिन उन्होंने रिजल्ट जो था संडे के बाद अनाउंस कर दिया, लगाया। तो वो जो रिजल्ट आया तो उसमें मेरा चौथा नंबर था। फिर कहा जी कल इंटरव्यू होगा, अगले दिन इंटरव्यू के लिए चले गए। जब इंटरव्यू के लिए गए तो जो मुझसे पहले तीन थे वो आए नहीं, ये भी वजह हो गई। मैं पहला था, वो इंटरव्यू हो गया, उन्होंने कहा जी ये हो गया तो मेडिकल कराएं, जाने की रिपोर्ट हो गई, नौकरी शुरू हो गई। अब ऐसे ही रूटीन में चल रही थी, एक क्लर्क की पोस्ट थी, कोई वो नहीं। तो एक दिन मैं ऐसे ही गुजरा तो कैशियर के पास बड़ा रश हो रहा था। मैंने पूछा भी क्या हो रहा है इधर, उन्होंने कहा जी ऑल पाकिस्तान बेसिस पे एक कंपटीशन हो रहा है, उसकी फ़ीस जमा करा रहे। मैंने पता किया, उन्होंने कहा जी ग्रेजुएट होना चाहिए और 5 रुपये फीस है, वो मैंने भी जमा करा दिए। वो एक टेस्ट हुआ, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उसने लिया। लाहौर में मुझे नहीं याद कितने 100 थे, लाहौर से 2 आदमी हम पास हुए, एक मैं और एक चीमा था कोई। उसकी शर्त बुनियादी ये थी कि भाई आपको कहीं भी पाकिस्तान में पोस्ट कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा जी कराची जाना पड़ेगा। मैंने कहा कराची क्या कहता है, अभी अब कराची आ गए। पॉपुलेशन बेसिस पे वो टेस्ट था, 56% बंगाली और 44% हम वेस्ट पाकिस्तान के थे। कराची आ गए, जब से कराची में हैं वो मुख्तलिफ इधर उधर गए हैं लेकिन मेन ऑफिस हमारा इधर ही था, रिटायर हो गए। वो जो हालात थे, गांव हमारा बहुत बड़ा था और इत्तेफाक के वो हमारे जो ताया थे वो वहाँ जायलदार थे, उस वजह से जो अड़ोस पड़ोस के गांव वाले थे ना वो सबसे पहले वो शिफ्ट होके हमारे गांव में आए, एक सिक्योरिटी समझते हुए कि ये महफूज है। तो वहाँ से फिर एक मील दूर एक कैंप लगा, वहाँ जाए सारे शिफ्ट हुए। वहाँ तो फिर जो हुआ वो तो ये है कि 2-4 दिन के बाद ही बरसात शुरू हुई, हल्की हल्की बारिश। तो अब वहाँ कोई सर छिपाने को जगह नहीं, ये जो सैलाब वालों का हाल है, कपड़े ऊपर लगाए हुए हैं, पानी ऊपर से गिर रहा है, लकड़ी मिलती नहीं जलाने को, पानी पीने को नहीं मिल रहा। तो एनीवे वो फिर इसी तरह से गुजरे 8 दिन हमारे। फिर वो ट्रक आया,
हम लोग तो आ गए ट्रक पे, मेरे एक चचा थे वो पीछे थे सामान के साथ, उनको हैजा हुआ। जब वो घर पहुँचे तो ब्यास दरिया आता है, दरिया ब्यास से ज़रा पहले उनका हैजे से इंतकाल हो गया। हालत ये थी, 6-7 दिन से लगातार हल्की बारिश हो रही थी, पानी पानी था, कब्र के लिए ज़मीन नहीं थी। और उनको यह था, मुझे कपड़े में लपेट के दरिया में बहाया। अच्छा, जब इधर आ गए थे पाकिस्तान तो यहाँ एक कैद पड़ा, 47 में आए, डिस्टर्बेंस की वजह से काश्तकारी कहीं नहीं हुई, इंडिया पाकिस्तान सब खाली हो गया। 1 साल तो जैसे तैसे गुजरा, उसके बाद गंदम नापैद हो गई। मतलब वो उस ज़माने में हम कह रहे थे 7.5 रुपये मान, ये तो बिल्कुल ही महंगी या मिलती नहीं थी। उसके बाद फिर याद आया कि वो मकई की रोटी खाई कुछ दिन, मकई की रोटी भी वक्त गुजर गया, फिर बाजरे की रोटी खाई। तो बहुत पहले जो वक्त था वो बड़ा सख्त था। हमने एक बात और देखे, जो एक अच्छी बात ये थी कि वो जो हमारे ताया साहब थे, क्योंकि उनकी जैल में बहुत सारे गांव थे, तो कोई एक आध फैमिली सिखों की ऐसी थी जिनसे उनके बहुत मुनासब थे। वो फैमिली राइट फ्रॉम द बिगनिंग जहाँ कैंप था वहाँ से लेके अमृतसर तक राशन रोज़ उनकी एक गाड़ी लेके आती थी, बैलगाड़ी, उसमें चावल आटा और ये चीज़ें वो वहाँ तक पहुँचाते रहे। उसके बाद फिर दरिया ब्यास के पास दूसरी तरफ वो इलाका गैर होता था, आते रहे। तो उन्होंने ये भी किया, जो कत्लोगारत करने वाले थे वो भी थे, लेकिन हमारे साथ ये काफले में भी नहीं हुआ कुछ। और जो अच्छी बात ही है, वो वहाँ तक वो समझो 25 मील का फासला होगा, वो बकायदा राशन रोज़ गाड़ी लेके आते सिखों की। और उधर सिख थे जो कुएं में जहर डाल रहे थे, हम लोग निकल आए। और दूसरी वजह निकलने की ये थी कि जो कानवाय थे, और ये हिम्मत देखें उनकी, इतना बड़ा कानवाय होता था, 2 ट्रक आगे और 1-2 पीछे, लाखों आदमी चले जा रहे, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी, वो डर खौफ ऐसा था कि कोई हरकत करे। लेकिन बाद में हुआ, सब कुछ हुआ। सबसे पहले जो कत्ल वगैरह था वो तो अमृतसर में शुरू हुआ, अम्बाला दिल्ली से ट्रेन आई और वो पूरी ट्रेन अमृतसर में आके उन्होंने काट दी। वो लाहौर जब पहुंची तो लाशें थी उसमें, कुछ नहीं। और ट्रेनों का हाल ये था कि अंदर तो अंदर छतें भरी होती थी, बिल्कुल छतों पर लोग बैठे होते थे, और वो ऐसा ही चलती होगी वरना तेज़ चलती तो गिर जाते। कि वो जो स्कूल था हमारा, मिली जुली लोग सारे, और कभी कोई जेन में ये इस तरह का डर खौफ था भी नहीं, सब मिलजुल के था। और उस स्कूल भी बहुत बड़ा, उसके सामने जो था बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जिसको उन्होंने 5 मंदिर का नाम दिया हुआ था, वो हिंदू वहाँ अपनी इबादत करते थे। और एक वो याद है मुझे कि ये सर आगा खान आए थे तो स्कूल हमारा खाली कराया, उनके जो पैरोकार थे वो 4-5 दिन उनके कैंप लगे, क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन स्कूल में कोई ऐसा मसला हुआ नहीं। वो जब हम घर से जाते थे स्कूल को, तो रास्ते में जगह जगह दीवारों पे लिखा हुआ कायदे आज़म जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद। हम छोटे थे तो जुलूसों में भी यही था, जुलूस भी निकलते थे लेकर रहेंगे पाकिस्तान और वो कायदे आज़म जो, तो हम आपस में कहते यार वो कायदे आज़म कौन है जिसकी ये बातें कर रहे हैं, हमें वो कहाँ देखना था। लेकिन ये उस वक्त था, दीवारों पे लिखा होता था, जुलूस जो निकलते उसमें ये नारे लगते थे। वो तो बड़ी हालत ख़राब थी, लुटे पुटे, ये नहीं मालूम कि आगे क्या होना है, कहाँ जाके रहने को जगह मिलनी या खाने को मिलना कि नहीं मिलना। वो तो इत्तेफाक है कि ये एक रिश्ता था हमारा इधर, और लाहौर में हमारे कज़न थे मियाँ तफैल, उनके पास वहाँ 8-10 दिन पूरी फैमिली रुकी, फिर आ गए फैसलाबाद आ गए, चूँकि दादी हमारी वहाँ की थी, वो उस वक्त भी ज़िंदा थी, बाद में फौत हुई, तो यूँ पहुँचे। हमने नहीं कोई ऐसा जो है पढ़ा लिखा है, हमारे बाद सब कुछ हुआ, हमने कत्ल वगैरह नहीं देखी।
और इस वजह से कि आर्मी आगे पीछे थी, जिस वजह से बच बचा के आ गए। जो भी पंजाब से लोग आए, एक हुआ कि टोटल माइग्रेशन थी पंजाब से। ये बिहार वाले हैं, आज भी उधर उनके रिश्तेदार बाकी हैं, बिहार वाले, यूपी वाले, पंजाब का कोई नहीं है। वो आए तो टोटल आ गए वहाँ, कोई किसके पास जाएंगे। ये जो शहरों के लोग थे, जैसे जलंधर के या हमारे उधर कपूरथला के, अगर उनके कोई वहाँ हो तो वो गए। मेरे फादर इन लॉ जो थे वो जलंधर से थे, वो गए थे इंडिया, उनके सिख दोस्त थे उनसे मिलने। वहाँ नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में नहीं है। वो जब भी बात करते हैं वो एज इंडियन करते हैं। मुसलमानों के लोग जो है वो भी, वो जो उनका ड्रेस है हिंदुओं का, धोती यूं करके ऊपर बांधना, वो भी वही कर रहे। कल्चर वो होता है ना। फिर खाने पीने के मसले, वहाँ जाना आसान नहीं है। परेशानी ये थी कि उनकी फैमिली तीन जगह बट गई, कुछ तो बिहार में रह गए, कुछ ढाका चले गए, कुछ पाकिस्तान इधर आ गए। तो फैमिली उनकी जो थी, वालद उनके बड़ा शौक़ था पाकिस्तान देखना है जी, नारे तो बड़े अच्छे थे। तो जब वो आए तो 6 महीने गुजारे तो वापस चले गए। उनका ये वो चीज़ नहीं है जो हमने सुनी थी या नारे या सोची थी, तो वो इंडिया वापस चले गए। ऐसा भी हुआ। तो वो जो थे खुद इधर ही हैं। मैं तो ये सोचता हूँ ईमानदारी से कि अगर आप दुनिया की हिस्ट्री को, किसी भी मुल्क की हो, उसको स्टडी करें और वहाँ ये हालात हों जो आज पाकिस्तान के हैं, तो आपको वहाँ तबाही मिलेगी। यहाँ जो कुछ हो है इस वक्त, इसका कोई फ्यूचर नहीं है आगे। हमने क्योंकि वो सारी है बात भी है गुजर के आए देखा वाला, उसको भी छोड़ दे एक तरफ। कोई, मैं कहता हूँ कोई एक महकमा कोई बता दे कि जी ये ऐसा है जिसमें चले जाएं आपका काम हो जाएगा बगैर पैसे के। अच्छा, फिर थोड़ी बहुत ये थी कि लेन देन जो था चोरी अंडर द टेबल, ये अब तो लानिया मांगते हैं, ये हमारा माशरा हो गया। और फिर सब तकलीफदेह चीज़ें हैं, ये हमारी जुडिशरी ये कहाँ खड़ी है। मेरा ख़्याल तो यह है कि सबसे अहम चीज़ जो है वो एजुकेशन है। अगर एजुकेशन है तो सब कुछ बनता है। तालीम जिसके पास है वो सब कुछ है। हमारी कौम जो है वो जब बाहर जाते हैं तो वो पहले मानते नहीं हमारी डिग्रियों, वो कहते हैं पहले टेस्ट दो। टेस्ट में रह गया, कह जी 6 महीने ट्रेनिंग लें फिर आपको क्लास में बिठाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, कुछ डिग्री की इज्जत होनी चाहिए।